दोस्तों, आज तक हम खबर सुन रहे थे कि कोरोना वायरस से चाइना में इतने लोगों की मौत हो चुकी है। चाइना के बाद ईरान, इटली, साउथ कोरिया और जापान में लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। अब वो खतरनाक वायरस आपके और हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। अब तक अटकलें बस जापान में होने वाले ओलंपिक्स पे ही लग रही थी, बट अभी देखने में आया है कि 29 मार्च से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग, जी हाँ आईपीएल, अपने तह समय पे हो पाएगी या फिर कैंसिल ही हो जाएगी। आईपीएल के पहले और सातवें सीजन लोकसभा इलेक्शन के साथ कोइंसाइड करने की वजह से वेन्यू चेंज करके साउथ अफ्रीका और यूएई कर दिए गए थे, लेकिन बीसीसीआई के पास अब शायद कोई ऑप्शन ही ना बचे, क्योंकि 70 से भी ज्यादा देश कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल्स अभी भी इसी उम्मीद में हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा और आईपीएल अपने शेड्यूल टाइम पर ही होंगे, बावजूद इसके कि अभी तक कोरोना का कोई एंटीडॉट या वैक्सीन नहीं मिला है। दोस्तों, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोमवार का दिन भारत के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया। इंडिया में भी कोरोना वायरस के 3 नए केस सामने आए। भारत सरकार के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि 3 नए लोगों में वायरस का संक्रमण पाया गया है। इंडियन डॉक्टर्स ने इससे पहले भी केरला में कोरोना वायरस के 3 पेशेंट्स का उपचार करके सुरक्षित घर भेजा था, लेकिन पिछले और इन 3 केसेस में अंतर है। पिछले 3 लोग वुहान चाइना से आए थे और उनको एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन कर लिया गया था। ना वो किसी के कॉन्टैक्ट में आए और ना ही इंडिया में कोरोना का कोई और नया केस पनपा। सोमवार को कोरोना से पॉजिटिव पाए ये तीनों लोग 10 से 15 दिनों में बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं और आशंका है कि अब भारत में भी कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड केसेस में वृद्धि होगी। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके लोगों को पैनिक ना होने और संचेत रहने का आवेदन किया है, साथ ही सभी टॉप ऑफिशियल्स के साथ हेल्थ इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। दिल्ली का वो शख्स जिसने 25 फरवरी को वियना से दिल्ली फ्लाइट में ट्रैवल किया था, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया है। उसके घर उसके बच्चे की जन्मदिन पार्टी थी। पार्टी में आए सभी मेहमानों को भी 14 दिनों के लिए अपने अपने घरों में क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पार्टी अटेंड करने आए बच्चे नोएडा के स्कूल में पढ़ते हैं। इसको देखते हुए नोएडा के 2 स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि ये वायरस और लोगों तक ना फैल सके। दिल्ली के इस पेशेंट ने आगरा में अपनी फैमिली के 6 सदस्यों से मुलाकात की और अब उनको भी कोरोना के संदिग्ध सूची में रखा गया है। 25 फरवरी से 2 मार्च तक ना जाने कितने ही लोगों तक ये वायरस फैल गया होगा। दोस्तों, आप इंडिया की जिस भी स्टेट या सिटी में मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज अवेयर रहें कि कोरोना वायरस की आपके शहर में क्या सिचुएशन है, कितने केस सामने आए हैं, ताकि आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख सकें। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेंगलुरु की आईटी कंपनी में जॉब करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दुबई में हांगकांग के नागरिकों के कॉन्टैक्ट में आने से संक्रमित हो गया था, उसने बेंगलुरु से तेलंगाना 9 घंटे बस में 80 से 90 लोगों के साथ ट्रैवल किया था। कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि उनमें से 88 लोगों की पहचान कर ली गई है। उस इंजीनियर ने बस में ट्रैवल करने से पहले की रात अपने एक दोस्त के रूम पे बिताई थी। उसके दोस्त ने भी अपने ऑफिस में ईमेल करके सूचित कर दिया है कि वो अगले 14 दिन वर्क फ्रॉम होम करेगा ताकि ये बाकी लोगों तक ना फैल सके, और उसके भी लैब में टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। ये घातक वायरस अटैक पहले करता है और इसके लक्षण बाद में पता चलते हैं, इसीलिए भी टाइम पे वायरस का पता लगा पाने में दिक्कत होती है और रहस्यमय बना हुआ है। तीसरा केस, वो इटालियन टूरिस्ट जो जयपुर में कोरोना से इन्फेक्टेड पाई गई थी, उसने अपने ग्रुप के साथ उदयपुर से जयपुर ट्रैवल किया था। पिछले दिनों में जिस भी शख्स के वो कॉन्टैक्ट में आई, जैसे कि कैब ड्राइवर, गाइड, होटल स्टाफ, सभी को कॉन्टैक्ट करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है ताकि वो बाकी लोगों से ना मिल सके और वायरस ना फैल सके। कोरोना से लड़ने के लिए देश के सभी राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। देश भर के हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करें।